नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं नीति शतक। महाकवि भर्तृहरि की रचना है। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। कुछ आप सुन चुके हैं, नहीं सुने हैं तो पीछे के सारे वीडियो पे जाइए, सब सुनने जैसा है। आज जब किसी व्यक्ति का पतन शुरू होता है तो कोई सीमा नहीं रहती है। भर्तृहरि एक सुंदर श्लोक कहते हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीद्रात् उत्तुंगात् अवनि मवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोक मथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सत्मुखः। भाई, जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं, जिनमें विवेक नहीं होता है, जिनमें बुद्धि नहीं होती है, जिनमें समझदारी नहीं होती है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप विवेकशील हैं। आप विद्वान हैं इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आप विवेकशील हो। अगर कोई ऐसा पुत्र जो कलेक्टर हो गया है और उसका पिता उसके ऑफिस में आ जाता है और वो खड़े होकर के अपने सेवकों की हाजिरी में अपने पिता का सम्मान नहीं करता है तो मैं उसको विवेकहीन मानता हूं। कोई ऐसा डॉक्टर जो अपने किसी गुरु का, किसी बड़े का सम्मान नहीं करता है तो मैं उसको भी विवेकहीन मानता हूं। विवेकहीनता के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मैंने मात्र अपने बुजुर्गों के आदर की ही बात की है। जहां आपको नहीं बोलना चाहिए आप बोलते हैं, वो भी विवेकहीनता है। जहां आपको बैठना चाहिए वहां आप खड़े रहते हैं, वो भी विवेकहीनता है। इसलिए विवेकहीनता की चर्चा नहीं करूंगा। यहां महाकवि भर्तृहरि ये कहते हैं, जब व्यक्ति अपने विवेक से शून्य होता है तो भवति विनिपातः सत्मुखः, तो हर तरह से उसका विनिपात होता है, यानी वो नीचे गिरने लग जाता है। इसके लिए उन्होंने मां गंगा का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, पहले ब्रह्मा के कमंडल से शिव के सिर पे आके गिरी, वहां भी इनको संतोष नहीं हुआ तो शिव के सिर से स्वर्ग में होती हुई पृथ्वी पे आके गिरी, और इस पृथ्वी पे भी वो बात पूरी नहीं हुई, और फिर बाद में समुद्र के रास्ते पाताल लोक तक पहुंच गई। गंगा को त्रिपथगा कहा गया है, यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, तीनों लोकों में जो गई हैं। यहां कवि उनकी इस गति को कैसा देखता है कि जब व्यक्ति एक बार ऊपर से उसका गिरना शुरू होता है तो फिर कोई लिमिट नहीं रहती है कि यहां आकर के वो रुक जाएगा। इसलिए जहां हैं आप, जिस जगह हैं, सबसे पहले उच्च स्थान पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, उच्च स्थान पे रुके रहना ज्यादा मुश्किल है। आपने कोई ऊंचाइयां तय की हैं तो वो ऊंचाइयां अंतिम ना हो जाएं, आप उससे भी आगे स्वयं अपने रिकॉर्ड तोड़ें, अपने हिसाब से आगे बढ़ें, ये जरूरी है। नहीं तो जिस दिन उस ऊंचाई से नीचे आना शुरू करेंगे तो फिर नीचे आने के समय फिर कोई ऐसी सीमा नहीं रहेगी। जैसे आकाश, ये ऊंचाई की लिमिट, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, ऐसे गिरने के समय पर भी जब व्यक्ति नीच काम करना शुरू करता है तो भी उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए हे मित्रों, मैं तो अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक झूठ बोलेंगे तो उसको बचाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक गलत काम करेंगे तो उस गलत काम को बचाने के लिए या उसको सही सिद्ध करने के लिए और 10 गलत काम करने पड़ेंगे। इसलिए पहले ही गलत कदम पे हमें रुक जाना चाहिए, नहीं तो भर्तृहरि कहते हैं कि फिर कभी आप रुक नहीं पाएंगे। एक बार पतन शुरू हुआ तो फिर वो पतन आगे चलता ही जाता है, पतन होता ही जाता है। धन्यवाद। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं,
भर्तृहरि ने जो कहा है वो खाली आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बना हूं। अगर आपको ये माध्यम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे हैं तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए। जितना आगे ये जाएगा उतने ही ज़्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप नीति शतक सुन रहे हैं इस समय। धन्यवाद।